अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28। और ये दूसरा टाइम है जब हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि एक और वीडियो बना चुके हैं। जब शुरू में यूट्यूब चैनल हम शुरू किए थे तो एज अ व्लॉग इस कॉलेज का वीडियो बनाए थे। और अभी जयपुर यूनिवर्सिटी के का जो सत्र है 2019-22 का, उन लोगों का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो रहा है। और बस एग्ज़ाम लास्ट ही है, और 2-3 दिन का एग्ज़ाम होगा शायद। और जो 2019-22 के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए हम बात किए थे जेपी यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, वाइस चांसलर है फारूक अली, उनसे कि उनका ग्रेजुएशन का सेशन भी पिछले जो सेशन लेट हुआ है वैसे ही होगा या ये सेशन सुधरेगा। ऐसे नाम बदनाम है, और इसमें बहुत सी सच्चाई भी है कि एग्ज़ाम लेट से होता है, जिसकी वजह से लड़के नाउम्मीदी के साथ पढ़ते हैं कि टाइम से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और एग्ज़ाम हो जाने के बाद बहुत से लड़के प्रमोट हो जाते हैं, बहुत से लड़के फेल भी हो जाते हैं। उन लोगों में से मैं भी हूँ जो दो बार प्रमोट हुआ, जिसकी वजह से 17-20 का एग्ज़ाम हो गया है, मार्कशीट आने वाला है, आग भी गया है, तो वो लोग तो पास हो गए, लेकिन मैं रह गया। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि 4-5 साल लगने का एक यही रीज़न है कि लड़के प्रमोट हो जाते हैं तो उनका सेशन लेट हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम भी टाइम से नहीं होता है, ये भी बात माननी चाहिए। और ये बात वो बोले भी, और लॉकडाउन का बहाना भी ले लिए, और यहाँ के लड़कों से बात करेंगे कि अभी उन लोगों का पार्ट टू का रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए था सेशन के हिसाब से, लेकिन अभी पार्ट वन का एग्ज़ाम भी ख़त्म नहीं हुआ है। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट 2022 में ही आएगा, दिसंबर महीना चल रहा है, और दिसंबर 2022 में ही वो बोले हैं कि सेशन आपका कम्प्लीट हो जाएगा। और आइए यहाँ जो अभी जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने आए हैं उनसे कुछ बात करने की हम कोशिश करते हैं। अब रुक जी, तो एक स्टूडेंट मिल चुके हैं, इनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम? अफसर अली मेरा नाम है। अफसर अली कौन से कॉलेज से हैं? जेड इस्लामिया कॉलेज। इस्लामिया कॉलेज से जी। सेशन आपका 2019 सेशन है मेरा, 2019-22। और वीसी से हम बात किए थे, वीसी सर से, कि 19-22 वालों का तो अभी पार्ट टू का एग्ज़ाम का रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन पार्ट वन का एग्ज़ाम भी अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। और वो बोल रहे थे कि आप फर्स्ट ईयर का क्या बात कर रहे हैं, हम उन लोगों का 2022 में थर्ड ईयर कंप्लीट करा देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, हमको तो जहाँ तक लगता है कि अभी पिछला फिलहाल देख के अभी लेट होगा थोड़ा बहुत। कितना लेट हो सकता है आपके हिसाब से? कि मतलब बात अगर होगा भी तो 2022 के लास्ट तक होगा, नहीं तो 2023 के शुरू में या जनवरी फरवरी तक होगा। और जो जेपी यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम किया गया है, या फिर इस ये कहाँ तक समझते हैं कि इस बात में सच्चाई है कि जेपी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट रहता है और यहाँ पे ग्रेजुएशन टाइम से नहीं हो पाता है? देखिए, बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि जेपी यूनिवर्सिटी हाल ही दिनों में सुधारने की कोशिश किया गया है, लेकिन बहुत पहले से देखा जा रहा है कि मतलब जेपी यूनिवर्सिटी पीछे जा रहा था, मतलब अभी फिलहाल 2-3 सालों से मतलब रिकवर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जो पहले से इमेज बदनाम था, इमेज ख़राब था, तो उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। बट बहुत से लड़कों में ये नाउम्मीदी है कि एग्ज़ाम टाइम से नहीं होता है, इसलिए वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रमोट हो जाते हैं और 1-2 साल बैक लग जाता है, और 4-5 साल में उन लोगों का ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो पाता है। तो आप वैसे स्टूडेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो इस नाउम्मीदी में ना रहे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो पढ़ाई कंटिन्यूली करे, एग्ज़ाम लेने एडमिशन लेने के बाद ही वो पढ़ाई शुरू कर दे? देखिए, बात ये है कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं, लोग जब एग्ज़ाम से पहले तैयारी होता है, जाहिर सी बात है लेट होता है तो मनोबल थोड़ा टूट जाता है कि एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। लेकिन हम लोग को चाहिए कि थोड़ा बहुत हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दिए, कंटिन्यू बनाए रखें, इस तरह हम लोग ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम अगर कभी भी हम लोग का होता है तो एग्ज़ाम आदमी दे सकता है, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। बस बात ये है कि मनोबल टूट जाने की वजह से बहुत से लड़के प्रमोट हो जाते हैं, और मनोबल टूटने की वजह ये है कि पहले से इमेज ख़राब हुई है कि एग्ज़ाम टाइम से नहीं होता है, लेकिन अब ऐसा हो कि एग्ज़ाम टाइम से भी हो और लड़के अच्छे से भी पढ़े, तो जेपी यूनिवर्सिटी का जो इमेज ख़राब हुआ है वो सुधर सकता है। तो आपको हम लास्ट में बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे कि आप कभी प्रमोट ना हो, फेल ना हो, और आपका सेशन सही से चले। थैंक यू बात करने के लिए। आइए और भी कुछ 2-4 लड़कों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। और भी स्टूडेंट आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या करना है इस जेपी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। हाँ। जी, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। 17-20 सेशन है? नहीं, 18 से 21। 18-21 सेशन है जो, जैसे कि मेरा फर्स्ट ईयर में वो प्रमोटेड था, बोटनी का। हमारा 17-20 सेशन है, हम 2-2 प्रमोट हुए हैं, उसी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने। अच्छा, कौन सा कॉलेज है आपका? एम एच डी सी तरवारा, मौलाना मजहरुल हक। अच्छा,
और कौन सा ऑनर्स है आपका? जूलॉजी ऑनर्स है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जेपी यूनिवर्सिटी का सेशन टाइम पे नहीं होता है या इसका सेशन बहुत खराब है? 100% एकदम सच्चाई है सर। बताइए, हम लोग का 18 से 21 सेशन है अभी। 18 21 जी, वही 18 से 21 वही। अभी तक समझिए कि अभी क्या, अभी सेकेंड ईयर एग्जाम, सेकेंड ईयर अभी फाइनल हुआ है 21 में। देखिए, आप लोगों का जो सेशन है ना, अभी तक के लिए सबसे अच्छा सेशन है, क्योंकि आप लोगों का 19 में एग्ज़ाम हो गया था, 20 में तो हाँ फर्स्ट ईयर का, और 20 में तो कोरोना पूरा चला, 21 में आपका एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, और पार्ट 3 का अब आप लोगों का फॉर्म भी बता रहा है DBA कॉलेज के गेट पे। हाँ, पार्ट 3 का एडमिशन शुरू हो गया है। तो इसकी क्या वजह है कि लड़के 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में 5 साल में करते हैं, आपको क्या लगता है? अब इसका तो मान लीजिए कि अब ये सब यूनिवर्सिटी, आप लोगों का 18-21 सेशन है जी, तो अब 21 लास्ट होने वाला है जी। कोरोना की वजह से अगर से दिक्कत समझिए खत्म होने वाला, अगर से कोरोना नहीं होता तो ये सेशन सुधर शायद हो जाता। हाँ, शायद हो जाता। तो ये हमारी और आपकी गलती भी है कि हम सही से पढ़ाई नहीं की और प्रमोट हो गए, जिस वजह से लोग प्रमोट तो मेरी गलती है, बट जो अभी सेशन जो चल रहा है, जो पीछे चल रहा है, वो तो यूनिवर्सिटी गलती है ना। प्रमोट तो समझिए है, ठीक है, लेकिन अगर सेशन पीछे नहीं रहता तब तक ही हम लोग का फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ होता अब तक। तो मतलब सेशन लेट होने की वजह से लड़कों का थोड़ा मोराल डाउन हो जाता है कि हम पढ़ाई करें और एग्ज़ाम ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। एग्ज़ाम होता है लेकिन लेट से होता है जी जी। और ग्रेजुएशन में आदमी इतना मैच्योर हो जाता है कि और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। 3 साल के कोर्स है, मान लीजिए ग्रेजुएशन जो होता है 3 साल का होता है, और उसमें भी 4 साल 5 साल लग जा रहा है, तो बच्चों का तो मनोबल गिरेगा ही थोड़ा सा। तो इसका रीज़न जो जयपुर यूनिवर्सिटी के VC है फारूक अली, वो बताए हैं, आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं, उनसे भी हम इंटरव्यू लिए हैं। और आप ही लोगों के बारे में पूछे, नहीं 19-22 वालों के बारे में, कि उन लोगों का सेशन क्यों लेट है। और अब आप ही को एग्ज़ाम देने जाना है जी जी, हम आपको बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, विशेष करना चाहेंगे कि आप इस साल प्रमोट ना हो और हम भी प्रमोट ना हो और हम लोगों का ग्रेजुएशन जल्द से जल्द कम्प्लीट हो जाए कि हम आगे की कुछ तैयारी कर सकें। थैंक यू। और भी कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जाइए आप एग्ज़ाम देने। बहुत सी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद अब कंक्लूजन यही निकल रहा है 3 साल 4 साल की जर्नी में, कि पहले नाउम्मीदी थी कि एग्ज़ाम टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है तो लड़के पढ़ नहीं पाते थे। और जो अच्छे लड़के हैं, हम पहले ही बता चुके हैं अपने वीडियोज़ में कि DAV कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज में ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जिनका मैथमेटिक्स में 100 आता है, और वो आके क्लास नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं पटना या दिल्ली तैयारी करने, और सिर्फ और सिर्फ जब ऑफिस वर्क होता है तो आते हैं और एग्ज़ाम दे के फिर चले जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने या किसी दूसरे मकसद से। और जो लड़के यहाँ पे रह जाते हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत से लड़के इसी विशेष सर्किल में फंस के वो प्रमोट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेशन लेट हो जाता है। तो लड़कों के ये अब समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हो रहा है और वो स्टडी एडमिशन के टाइम से शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम लेने का सिलसिला बढ़ चुका है और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होगा। तो लड़कों से यही सुझाव है कि वो अपने प्रिपरेशन सही से करें। थैंक यू।